फ्री फेस्टिवल प्रोग्राम्स किया है जिसमें हम कृष्ण कथा का आयोजन किया हमने और बच्चों के कल्चरल प्रोग्राम भी हमने रखे हैं। तो 17 मतलब आज से स्टार्ट हो रहा है हमारा फेस्टिवल, आज शाम को स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें कल्चरल प्रोग्राम है, कृष्ण कथा है और सभी भक्तों के लिए बहुत सुंदर प्रसादम की व्यवस्था की गई है। यही पर है आप ये जानते हैं इस्कॉन का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। इसी में वो सोल जुड़ी हुई है इस नाम में। हमें भगवान के सभी जीवों को उनको कृष्णमय बनाना, और ये जो काम है हम अकेले नहीं करते, उसका कारण ये है गुरु ने हमें ज्ञान दिया, हमने उस ज्ञान को रख के बांटने की इच्छा की, मंदिर बनाया, और जब तक आप लोग नहीं आएंगे आगे हमारा ये ज्ञान अधूरा है, हमारा ये कार्यक्रम अधूरा है, हमारे ये एफर्ट अधूरे हैं। सो इस अधूरेपन को पूरा करने के लिए हम सब आपके निमित्त हैं, इसको पूरा करिए और हमारा योगदान करें इस गुरु के मैसेज को आगे बढ़ाने। इज इट समझ गए? फ्री फेस्टिवल है वो शाम को 6 बजे से स्टार्ट होगा, तो जो 2 दिन है 17 और 18 को, और वो 9 बजे तक, शाम को 6 से 9 बजे तक का कार्यक्रम है जिसमें कीर्तन है, कथा है और कल्चरल प्रोग्राम है। बच्चों ने बहुत सुंदर नाटक प्रस्तुत किए हैं, भगवान की लीलाएं वो यहाँ पर परफॉर्म की जाएंगी। और 19 तारीख को जो प्रोग्राम है हमारा, जो डेली कार्यक्रम रहता है, वो पहली आरती 4:30 बजे सुबह हमारी होती है मंगल आरती, और जो फेस्टिवल जो होते हैं उसमें बड़ी भव्य आरती भगवान की होती है, त्रिपुरा का मंदिर जो है भक्तों से भर जाता है, और उसके बाद फिर भगवान का श्रृंगार होता है। तो 8 बजे हमारी दर्शन आरती होगी, उसके बाद फिर एक मंदिर में कथा होगी, एक बहुत ही वरिष्ठ भक्त आ रहे हैं वो कथा करेंगे, कृष्ण कथा करेंगे, और थ्रू आउट द डे हमारी कल्चरल एक्टिविटीज चलेंगी, बच्चों के लिए गेम्स होंगे, अभिषेक चलेगा, आरती चलेगी, तो थ्रू आउट द डे यहाँ पर एंगेजमेंट है। कितने लोग गैदरिंग आप उम्मीद कर रहे हैं सर? हम लोग अराउंड 15,000 पीपल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कम से कम 10 बजे के आसपास अभिषेक होगा, तो भगवान का जो महाअभिषेक होगा वो 10 बजे को होगा, रात को 10 बजे, और रात को 10 से लेकर के वो 11:30 बजे चलेगा। वाटिका में लगेगा, फिर अरेंजमेंट इस बार बेटर किए गए हैं, पिछली बार हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कितना क्राउड आएगा, वरना वी आर वेल प्रिपेयर्ड। इस दफा भी हमने कोई ज्यादा पोस्टर वगैरह नहीं लगाए, गुरु महाराज को प्रणाम करते हुए श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज और उनके गुरु श्री प्रभुपाद जिनका जन्मदिन कल है, जन्माष्टमी के एक दिन बाद परसों, अब हम सब मिलके इस कार्यक्रम को चलाते हैं। मेरे साथ जो बैठे हैं भक्त, मैं उनका भी इंट्रोडक्शन देता हूँ। आप एक रिटायर्ड डायरेक्टर हैं हरियाणा विद्युत बोर्ड से, बिजली बोर्ड के, और मेरे क्लास फेलो भी हैं, और प्रभु जी एक कंपनी चलाते हैं जियो की, बहुत बड़ी कंपनी है, अपने आप में स्टार्टअप का ये 4th साल है उनका, और इस कंपनी को ये काफ़ी आगे बढ़ाया है। उस कंपनी के माध्यम में ये अपना सारा कार्यक्रम, अपने जो इम्प्लॉयज हैं, अपने जो फंड्स हैं, उनको मंदिर की प्रायोरिटी में पहले डिप्लॉय करते हैं, और ये हमारे फंड रेजिंग के स्तंभ हैं, इंचार्ज हैं। आप प्रभु जी मेरे साथ बैठे हैं, ये एक टेक्नोक्रेट हैं आईटी कंपनी के, दीन सुदामा दास, प्रभु जी का नाम दया गौरंग दास है, और प्रभु जी का नाम मुकुट बिहारी विशिष्ट प्रभु है, और दीन सुदामा प्रभु एक टेक्नोक्रेट है, और अपने आप में एक बहुत ही, ये सारा जन्माष्टमी का कार्यक्रम, इस साल का सारा कार्यभार आपने संभाल रखा है, आपके नेतृत्व में मैं भी चलता हूँ जैसे आप कहते हैं। मेरा नाम अच्युत हरिदास है और मैं पिछले 22-23 साल से गुड़गांव में आया हूँ। मैं और मेरी वाइफ जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर थी, वो हमने शुरू किया 99 में, तब मैं बॉम्बे से वापस आया था, विद द ब्लेसिंग ऑफ गुरु महाराज 99 में हमने शुरू किया। ये सारा इस्कॉन जो गुड़गांव में है वो एक रथ यात्रा के माध्यम से हमने शुरू किया था, शहर के काफ़ी लोग जुड़े हुए। अब हम आते हैं जन्माष्टमी, जन्माष्टमी अब तक जो हमारी मनाई जा रही थी पिछले साल को छोड़ के, वो हम कोविड पीरियड को छोड़ के, वो हम सेक्टर 29 हुडा क्लब के लाइब्रेरी ग्राउंड में मनाते थे, और कम से कम नहीं तो 1 लाख लोग फुटफॉल कम से कम हुआ करता था। उसका कारण ये नहीं कि वो बड़ा ग्राउंड था या हम उसमें योजना कर रहे थे, उसका बेसिक कारण, मूल कारण वो था कि जो हमें गुरु से मिला है, गुरु परंपरा से,
हम सब जो आत्माएं हैं, हम जो सब इस शरीर को धारण किए हुए हैं, इन आत्माओं को जोड़ने के लिए एक परंपरा है भगवान के साथ। हमारे पास उस चीज का वेदिक ज्ञान है और उस प्योरिटी को लेके जब हम कोई भी कार्यक्रम करते हैं तो हमें सफलता मिलती है। क्यों? प्योरिटी इज द फोर्स। सच्चाई और ईमानदारी एक ऐसी ताकत है जो कि हर कार्यक्रम में हमें सफलता देती है। और ये नियम हमारे गुरु का दिया हुआ है, श्रील प्रभुपाद का। अगर किसी की महिमा करनी हो आपको तो हमारे गुरु श्रील प्रभुपाद की करें, जिनको कि मोदी जी ने भी जब जब किसी भी प्राइम मिनिस्टर या राजा को कभी भगवत गीता दी है तो वो प्रभुपाद जी की भगवत गीता दी है, जिसका नाम है भगवत गीता एज इट इज। एज इट इज जैसे है वैसे उन्होंने पेश की हुई है। इसमें इतनी ताकत है क्योंकि उनका कोई अपना उसमें भाव नहीं था। चलिए, मेरा कहने का मतलब है इस जन्माष्टमी के इस कार्यक्रम को हम संभालते हुए मैं प्रभु जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस दीन सुदामा प्रभु से कि इस कार्यक्रम को कैसे हमने प्लान किया, प्रभु जी ने प्लान किया बताएं। गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को प्रणाम करता हूँ और शिला प्रभुपाद जो हमारे संस्थापक आचार्य संस्था के उनको प्रणाम करता हूँ और हमारे इस मंदिर के अध्यक्ष अच्युत हरि प्रभु जिनके ही अध्यक्षता में ये सारे प्रोग्राम चलते हैं, जिनकी ब्लेसिंग्स है और प्रभु जी हम सबको अनेबल करते हैं। बीइंग प्रभु जी की ओल्ड एज को देखते हुए प्रभु जी इतना तत्पर रहते हैं सेवाओं के लिए तो हमें काफ़ी इंस्पिरेशन मिलती है। और ये जन्माष्टमी का फेस्टिवल भगवान बताते हैं भगवद्गीता में, जन्मा कर्मा चामे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता त्यक्ता देहम पुनर्जन्मा नेति मा मेति सो अर्जुना। भगवान भगवद्गीता में बताते हैं कि जो मेरे जन्म और कर्म ये दिव्य हैं, जो इनको जान लेता है वो शरीर त्यागने के बाद इस भौतिक संसार में दोबारा नहीं आता। तो देखिए प्रोसेस बहुत सिंपल है, हम लोग लोगों को कनेक्ट करते हैं भगवद्गीता के ज्ञान के साथ तो हमारा पूरा कार्यक्रम उसी भगवद्गीता के ज्ञान पर आधारित है। अभी हमने कुछ टाइम पहले एक बच्चों का माउंट ओलंपियस बच्चों के लिए एक सेशन कंडक्ट किया था, अराउंड 400 बच्चे हमारे यहाँ पर आए और हमने उनके दो वर्कशॉप कंडक्ट किए। जो छोटे बच्चे थे हमने उनके लिए कंडक्ट किया क्या मांसाहार खाना उचित है, इस बात पर हमने चर्चा की। और जो बड़े बच्चे आए थे उनको हमने स्ट्रेस मैनेजमेंट जो हैबिट्स है ना कि बच्चे क्या बहुत तनाव में रहते हैं तो भगवद्गीता हमें क्या सिखाती है कि कैसे हम तनाव रहित जीवन को जी सकते हैं। तो हमारे पूरा का पूरा हमारा जो कार्यक्रम है इसमें हम लोग अराउंड 40,000 से 50,000 लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्योंकि पिछली बार कोरोना के टाइम पर भी जब हमने डिजिटल जन्माष्टमी प्रमोट किया था तो हमारा अराउंड 25,000 फुटफॉल यहाँ पर था। तो बहुत ही भव्य तैयारियाँ चल रही हैं, सभी हमने सभी भक्तों के लिए यहाँ पर पूरे बैरिकेडिंग सिस्टम फॉलो किया है जिससे सभी लोगों को कोई परेशानी ना हो। और आप यहाँ देखेंगे हमने प्रीति पॉइंट पे लगाए हैं, हम लोग एक सेशन कंडक्ट करते हैं डिस्कवर योरसेल्फ, ये एक 6 सेशन कोर्स होता है, कितने भक्त आएंगे वहाँ पर इनरोल कर सकते हैं। और हमारा प्रोग्राम चल रहा है बच्चों के लिए, इसका नाम है भक्त पहनावे स्कूल। तो एवरी सैटरडे हमारी क्लासेज होती हैं और उन क्लासेज के माध्यम से हम बच्चों को वैल्यूज ऑफ लाइफ देते हैं क्योंकि जीवन में आजकल हम देखते हैं मेटेरियल एजुकेशन में सिर्फ क्या सिखाया जाता है, हाउ टू अर्न मनी, बट हाउ टू बी कंटेंट, कैसे संतुष्ट रहा जाए जीवन में, वो स्कूलों की एजुकेशन से गायब है। तो वैल्यूज ऑफ लाइफ हमारा एक बहुत ही अहम पड़ाव है जो श्री प्रभुपाद ने हमें बोला है वो हम कंडक्ट कर रहे हैं यहाँ पर और उसके लिए भी हमारे यहाँ पे बूथ लगेंगे जहाँ बच्चों का एनरोल कर सकते हैं। और बहुत सुंदर यहाँ पे झांकियाँ भी लगेंगी जो हमारा प्रभुपाद वाटी का जो पार्क है एडजेसेंट टू टेम्पल वहाँ पे हम झूलर करेंगे, माखन मिश्री होगा, डांडिया होगा, भगवान की भव्य आरती होगी और जितने भी दर्शनार्थी आएंगे उन सबके लिए हमने अभिषेक और आरती की व्यवस्था भी की है। तो सारे लोग आ सकते हैं, भगवान का अभिषेक करने का मौका है क्योंकि भगवान के साथ हमारा एक रिलेशन है। जैसे प्रभु जी ने बताया हम सब लोग जीवात्माएं हैं और योग करते हैं, और कौन सा योग है, भक्ति योग। तो योग का मतलब है कनेक्ट करना। अब किसको कनेक्ट करना है, आत्मा को परमात्मा के साथ। तो ये पूरा हमारा जो थीम है इसी भक्ति योग के ऊपर बेस्ड है। जितने दर्शनार्थी आते हैं हम चाहते हैं, हम जन्मदिन किसका मना रहे हैं, जो अजन्मा है ना उसका जन्मदिन मना रहे हैं। तो यही दिव्यता है जन्माष्टमी की, भगवान की अपनी की। तो मेरा सभी से आप लोगों से निवेदन है जहाँ से आधा हम लोगों को इनवाइट करें और जन्माष्टमी में सभी लोग पार्टिसिपेट करें ताकि सभी को ये भगवद्गीता की जो नॉलेज है, श्रील प्रभुपाद जो विश्व भर आज फॉलो कर रहा है वो सभी तक ये ज्ञान पहुँच सके। हरे कृष्ण।
इस चीज के साथ साथ हमारे और कार्यक्रम के क्या डिटेल है जन्माष्टमी में, मैं दयागंज प्रभु से रिक्वेस्ट करूंगा कि उसके ऊपर कुछ लाई दे। उसके बाद मैं प्रभु जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जो कि सारे कार्यक्रम झूलन का और उस व्यवस्था का है उसके ऊपर भी कुछ करें। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। सवाल ये उठता है कि हम मना क्यों रहे हैं जन्माष्टमी, सब लोग अपने अपने घरों में बैठे रहे या अपने घरों में मना लें, तो मंदिर क्यों मना रहा है और ये इतने भव्य तरीके से क्यों मना रहा है? आप लोगों को क्यों बुलाया गया है यहाँ पर, कि आप लोग किस माध्यम से, आपके माध्यम से हम लोगों तक कुछ पहुँचाना चाहते हैं, तो ऐसा क्या है जो हम लोग बताना चाहते हैं सब लोगों को? तो सवाल ये होता है कि मनाई क्यों जाए जन्माष्टमी? तो हम सभी जो भी कार्य कर रहे हैं, आज आप लोग कैमरा लेके खड़े हुए हैं, हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं माला कर रहा हूँ, प्रभु जी बैठे हुए हैं, हम सब यहाँ क्यों बैठे हैं? क्योंकि जीवन में जो भी कार्य हर कोई करता है वो आनंद प्राप्त करने के लिए करता है, उसे खुशी चाहिए। हमें लगता है ये करने से हमें खुशी मिल जाएगी, हम ये करेंगे तो थोड़ी खुशी मिल जाएगी, वो करेंगे तो थोड़ी खुशी मिल जाएगी। हम खुशी प्राप्त करने के लिए सब करते रहते हैं लेकिन हमें खुशी मिलती नहीं है। खुशी कैसी होती है? मृत कृष्णा की तरह। हमें लगता है हमारे बॉस की कुर्सी हमें मिल जाए तो हम खुश हो जाएंगे, हमें इतना पैसा और मिल जाए तो खुश हो जाएंगे, लेकिन जब हम वहाँ पहुँच जाते हैं तो हमें लगता है अरे थोड़ा और कहीं मिल जाए। हम लगातार मृग कृष्णा की तरह इस खुशी को ढूंढते रहते हैं। तो शास्त्र बताता है कि कलयुग के अंदर खुशी प्राप्त करने का एक ही तरीका है, हरेर नामा हरेर नामा हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। भाई हरि का नाम, हरि का नाम, केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम ही है जो आपको इस कलयुग से बचा सकता है। हमको ये पता है लेकिन फिर भी हम नहीं जानते। तो मंदिर क्या करता है? मंदिर भगवान के जन्मदिन के दिन, जो कि वैसे ही एक विशेष दिन है, प्रभु जी ने बताया अजन्मा का हम जन्मदिन मना रहे हैं, जिसका जन्म का जिसका ना कोई जन्म है ना मरण है, भगवान का उसका हम जन्मदिन मना रहे हैं, उसे क्यों बुलाते हैं सबको? सब यहाँ आएंगे तो सबको सुकृति मिलेगी भगवान के दर्शन करके, सब लोग भगवान के दर्शन करेंगे सबको सुकृति मिलेगी और सब लोग अनायास ही क्या बोल पड़ेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उनके मुख से हरि का नाम निकलेगा। कोई भी मंदिर आएगा या कीर्तन चल रहा होगा, हरे कृष्णा करता हुआ झूमता हुआ चला जाएगा। ये हमारा उद्देश्य है, सब लोग हरे कृष्णा बोले। प्रभुपाद ने अपनी पुस्तकों में यही बताया है, यही हमारा मुख्य उद्देश्य है, जिससे लोग यहाँ आए और हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करें, बस। ठीक है, हरे कृष्णा जगत पति को। बेसिकली इस कॉल का जो है मेन पर्पज है जो हमारा, वी वांट टू, एक तरह का हमारा उद्देश्य है कि सभी लोग स्पिरिचुअल जो है स्पिरिचुअल एनहांसमेंट अपनी करें, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करें। क्योंकि आप ये तो मान के चलोगे कि पिछले 40-50 साल में साइंस ने बहुत तरक्की की है। पहले आप बैठे हो, मैं यहाँ बैठा हूँ, आपको बात कर रहा हूँ तो शायद सुन भी ना पाओ, माइक लगा सुन रहे हैं, सब कुछ रहे, सब कुछ होने के बाद भी, तरक्की होने के बाद टेंशन बढ़ी। आज एक छोटा सा बच्चा सेकंड क्लास में भी पढ़ता होगा, क्या है भाई मेरे को टेंशन है। वो टेंशन कहाँ से आ गई? पहले तो कभी सुना नहीं था, पहले तो हम पढ़ते थे, खेलते थे, कूदते थे, पढ़ाई भी हो रही थी, सब कुछ हो रहा था। सो देयर इज समथिंग मिसिंग विच इज, जो एक तरह का हमारा ऑब्स्टिकल बना हुआ है, तो वो है कि स्पिरिचुअल जुड़ने के लिए। तो इस्कॉन यही बात कर रहा है कि इस्कॉन में आप जो भगवत गीता है दीदी, उसमें आप पढ़ोगे तो यू हैव एवरी आंसर फॉर एवरी प्रॉब्लम। और जो हम ये बर्थडे मनाते हैं भगवान का, वो करते हैं, रथ यात्रा निकालते हैं, उसका उद्देश्य है अगर हम 10% 20% लोगों को भी अट्रैक्ट कर पाए बाई वे ऑफ, आप कर लो झूलन कर लो, रथ यात्रा कर लो, अभिषेक कर लो, या हम प्रसाद वितरण करते हैं, इस सब का पर्पज यही है कि कुछ लोग हमारे से जुड़े और कुछ जुड़े कुछ आए और हमारे में योगदान दें, तो इट विल बी ए प्लेयर एंड इट विल सर्व द पर्पज ऑफ आवर सेलिब्रेटिंग रथ यात्रा एंड जन्माष्टमी। हरे कृष्ण।